बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लायन। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपनी गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी ज़रूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियाँ खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती कि वो दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। उसी रात को सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती है और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है, पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लिटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम कर वापस लौट जाऊंगा, तुम यहीं पर रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबी लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियाँ। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है, साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक्ड होते हैं। इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस चुका है। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो स्टेशन पे उतरता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहां से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे देवी माता की एक मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में जो प्रसाद होता है वो उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन ट्रैक पर चल रहा होता है, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछते कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो कहता है कि गणेशतल्ले। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है, नहलाती है। वो कहती है कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, उन्हें ऐसी लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौका देकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है, जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है।
वो बताता है कि इस लड़के को बंगला बोलनी नहीं आती है, हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि कहां से है तो इसने बताया कि ये गणेश तल्ले से है। इस जगह के बारे में ना लड़के को ना ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गाँव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर सरू के घर का, उसके गांव का, उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने वहां पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास, गुड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतजार का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती है जहां पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश के वर्ड, टेबल मैनर्स से सब कुछ सिखाती हैं और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है जहां पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो पूरी तरह से हैरान होता है, साथ ही साथ वो बहुत गुमसुम भी होता है क्योंकि ये देश, यहाँ की हवा, मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरह से नए हैं। सरू की मॉम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करती है, वो उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहते हैं। उसी रात को मिसेस सू रो रही होती है, सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और उनके गले से लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड है, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर और मिसेस जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है, साथ ही वो ये भी बताता है कि वो इंडिया में कैलकाटा से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब हाउस पार्टी रखते हैं जहां पर सरू भी जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं इसीलिए यहाँ पर खाने में बहुत सारा इंडियन फूड होता है। और सरू जब वहां पर जलेबियां देखता है तो उसे बचपन का वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वो सारी जलेबी खरीद लेंगे। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था, वो एक ट्रेन में बैठ गया था और जब ट्रेन रुकी तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। यहां पर एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2-3 दिन तक। वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले। लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा है कि नहीं क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, वो अब सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज से, जहां पर तुम बचपन में पहुंचे थे, अगर वहां से हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। यहां पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वो कहती है गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो, पर सरू इस बारे में और ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए रात को ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, अपने गांव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी मॉम, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे, इसीलिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए साथ ही साथ स्टेशन से
अपने घर की जो दूरी होती है उसकी कैलकुलेशन करके हर तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी का और सरू का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार की यादों में उन्हें ढूंढने में इतना खोया होता है कि धीरे धीरे वो लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं। कई महीनों के बाद लूसी को सरू जब एक दिन एस्केलेटर पर देखता है तो वो उससे बात करता है। वो लूसी से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती। पर सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड जॉन ने डिसाइड किया था कि हम दो बच्चों को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की परिवार की जरूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस भी बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी और एक दिन जब मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले पल वो बच्चा मेरी साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही वो अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी ढूंढना चाहता है, अपने भाई को ढूंढना चाहता है। इसीलिए एक बार फिर से वो गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे आसपास के पूरे एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गाँव जिसका नाम गणेश तलाई है वो मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गाँव मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी को और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब भारत आ जाता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। वो धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपनी मॉम, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। वो आस पड़ोस से पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आती और ना ही अब वो हिंदी समझ सकता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपना, अपने भाई का और अपनी बहन का नाम बताता है। उसे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था अब वो कहां चला गया। पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता, वहां से चला जाता है। पर कुछ ही पलों के बाद वो लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब उस तरफ जाता है तो वो देखता है कि सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि वो होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। ये उसकी बायोलॉजिकल मॉम होती है। वो उनके गले लगकर बहुत रोता है। सरू की मॉम आज तक इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है पर सरू अपने भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था पर सरू को नींद आ रही थी इसीलिए उसके भाई ने उसे बेंच पर सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तो सरू ने अपने भाई से कहा था कि सुबह जलेबी लेकर आना। उसी रात को उसके भाई गुड्डू की एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। पर उसकी उम्मीद, ईश्वर पर उसकी आस्था थी जो इतने सालों तक वो अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही। और आज 25 सालों के बाद उसका बेटा वापस लौट आया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम और डैड को कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया पर इससे कुछ भी नहीं बदलता। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहां पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरू के वो माँ बाप जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था वो इंडिया आते हैं। इंडिया में सरू की जो असली बायोलॉजिकल मॉम होती है वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। तो ये थी सच्ची कहानी सरू की। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि भारत से हर साल
80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उसमें से 1% भी बच्चे ऐसे नहीं है जिनकी किस्मत सरू की तरह हो। इसीलिए इस पूरी कहानी, इस पूरी फिल्म के जो हीरो है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू है, जो अपने बच्चे पैदा कर सकते थे पर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चे पैदा ना करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जिनके पास घर नहीं है, ताकि उन्हें एक अच्छा घर मिल सके। अगर इस दुनिया में हर एक इंसान की सोच इसी तरह से हो जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म लॉयन की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $12 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $141 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।